के नाम पे मीठे जहर की हो रही है बात। बड़ा खुलासा सीएसई की रिपोर्ट में कि देश की बड़ी बड़ी नामी कंपनियां आयुर्वेदिक शहद के नाम पे, शहद के नाम पर उसमें शुगर सिरप मिलाकर बेच रही, जो आपके स्वास्थ्य के साथ सीधी सीधी खिलवाड़ है। डॉक्टर कोहली, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं यहां पर। क्या शुद्ध शहद बेचने में और ये सिरप की मिलावट करने में इतना बड़ा कोई डिफरेंस आ जाती है कॉस्टिंग की, कि जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं देश के, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को ही दांव पे लगा दिया? निश्चित कॉस्टिंग के अलावा अवेलेबिलिटी की भी बात होती है। जब पूरा देश हनी खाना शुरू कर देगा तो अवेलेबिलिटी भी थोड़ी टफ होती है, और जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो उसकी प्राइस भी ज्यादा हो जाती है। तो कॉस्ट फैक्टर तो है ही, लेकिन अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा, बहुत बड़ा इशू होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि देखिए, ये पेंडेमिक ने नए आयाम खोले हैं। ये पेंडेमिक ने ये बताया कि आप अपने को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें। एक हनी है, ठीक है, मिलावटी मिल रहा है, उसको इग्नोर करिए। जब तक आप श्योर नहीं है कि अच्छा है, वो ब्रांड मत लीजिए। लेकिन बाकी आयुर्वेदिक अश्वगंधा, गिलोय है, एलोवेरा है, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जो बचपन से लेके और बुढ़ापे तक सब साथ देती हैं। रहने सहने का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं हम लोग, लाइफ स्टाइल को करेक्ट करें। तो मुझे लगता है रोगों को अपने आप नियंत्रण में लाने की एक जो कोशिश है वैद्यों की, डॉक्टरों की, वो अपने आप में ही आप स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल सांची, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हनी, लेकिन अब क्या होता है ना, जब एक चीज सामने आ गई तो आपको लगता है कि जो बाकी चीजों के भी नाम ले रहे हैं, मान लीजिए अश्वगंधा ही हो गई और गिलोय हो गई, ये सब चीजें भी, तो क्या वहां पर भी गारंटी है शुद्धता की आपको लगता है? क्योंकि आप तो लोगों को सजेस्ट करती हैं चीजें, कितनी चीजें हैं जो बाजार में शुद्ध आती है, कितने ब्रांड्स हैं जो इस तरह की चीजों से बचते हैं? हाँ विपिन जी, डेफिनेटली मिलावट तो हर चीज में होती है, मोस्ट ऑफ द चीजों में। बट हर्ब्स के साथ क्या होता है कि आपको आयुर्वेदिक शॉप में हर्ब्स का पाउडर मिल जाता है। इससे अच्छा तो होता है कि आप खुद के घर में प्लांट्स लगा सकते हो। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजों का मेंशन किया जो हम अपने घर के बालकनी में उगा सकते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, जैसे नीम का झाड़। तो नीम तो ऐसा है, इवन दैट इज ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल लाइक हनी होगी। तो उसको तो आप छूने सकते हो, क्योंकि खुद ही वो इतना एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल है कि आप उसमें कुछ भी मिलावट करोगे वो बाईपास हो जाता है। तो ये सारी चीजें, और उसके अलावा हम इंडियन से हमारे किचन में सिर्फ अपने हल्दी हो गई, आपका सिनेमन हो गया, क्लव हो गया, वो सब आप खुद से घर पे पाउडर बना सकते हो। आप टैबलेट फॉर्म में मत लीजिए, आप पाउडर फॉर्म में घर पे बना के उबाल के पानी वगैरह उसका पी लीजिए, या फ्रेश लीव्स का आप उपयोग कीजिए। आप शॉर्टकट्स के लिए मत जाइए, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के पाउडर बेचने लग जाते हैं कोई बड़े ब्रांड्स स्टार्ट कर देते हैं, या सप्लीमेंट्स के नाम पे टैबलेट्स बेचने लग जाते हैं। सो डोंट गेट इनटू ऑल दैट। बेसिक चीजें, ये सब सुपर फूड्स है, हर्ब्स है, जो इंडिया में बहुत इजीली बहुत सालों से अवेलेबल है। समय समाप्त होने जा रहा है, मैं माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूँ आपसे भी। सुनीता जी, बेहद संक्षिप्त में एक जवाब लेता हूँ कि यहाँ से इसके बाद हम उम्मीद करें कि ये जितनी भी कंपनियां हैं नामी गिरामी, इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा? मतलब सरकार तो जो लेगी सो लेगी, लेकिन इतनी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, ये अपनी तरफ से कुछ आगे बढ़ के कुछ करेंगी? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि वो करेंगी। वो भी समझती हैं कि हम लोगों का आक्रोश होगा, हम कंज्यूमर हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम शहद लें हमारे स्वास्थ्य के लिए, और उस पर खिलवाड़ नहीं होगा। आपने ये प्रश्न पूछा था क्यों कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि हमें जो शहद मिला, जो सिरप मिला, वो 60 रुपये के जी का मिला था, उससे भी कम दाम में देने को तैयार थे। तो अब आप, अगर आप मधु मक्खी पालते हैं तो आपको 120-130 रुपये के जी से अगर कम कोई देगा तो आपका कोई इकोनॉमिक्स काम नहीं करता। तो ये जो पूरा धंधा है, ये पूरा बहुत ईज है, पैसा है, मगर मैं समझती हूँ बड़ी कंपनियां हैं, वो भी जानती हैं कि इस देश में लोग जानकार हैं, समझदार हैं, और जब उनको समझ में आएगा कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो बदलेंगे। जी बिल्कुल, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सीएससी की रिपोर्ट तो सरकार के पास जा ही रही, लेकिन जो खुलासा आया तो एक कंज्यूमर की अवेयरनेस तो यहाँ से हो ही जाती है। उन्हें पता चल गया है कि ऐसा नहीं कि सारे ही ब्रांड खराब निकले हैं, 3 ब्रांड ऐसे भी आए हैं जो खरे भी उतरे हैं टेस्ट में फिलहाल के लिए। और जैसा सांची बता रही थी कि कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, महंगे मिलेंगे आपको, लेकिन शुद्धता चाहिए तो महंगा भी कई जगह लेना पड़ता है, और उन्होंने तरीका भी बताया आपको कि कैसे आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्मीद यही है कि जो ये हमारी नामी गिरामी कंपनियां हैं यहां से जागेंगी, मुनाफे के पीछे नहीं भागेगी, और अगर उपलब्ध नहीं है जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे तो ना बेचे ऐसी चीज, बनिस्बत कि उसमें चीनी नाम का जहर मिलाकर बेचा जाए, जो कि इस वक्त हमारी इम्यूनिटी को और खराब करता है, हमारे साथ छल करता है। इसी उम्मीद के साथ मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।